हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें करंट का फ्लो आसानी से नहीं होता है। एग्जांपल, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, लेदर, रबर, पेपर एक्सेट्रा। अब इंसुलेटर में करंट का फ्लो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंसुलेटर मटेरियल के अंदर में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसी नाम से इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो जीरो होती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जीरो होगी तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। अब इंसुलेटर में कंडक्टिविटी जीरो होती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और करंट का फ्लो नहीं होता, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है। रेजिस्टिविटी इन्फिनाइट होती है। तो फिर से कंडक्टिविटी के सूत्र से हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, जहां पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो जिसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो एन की अगर वैल्यू जीरो रहेगी तो सिग्मा इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब रेजिस्टिविटी से, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन में सिग्मा। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल टू इन्फिनाइट आएगी। और हम लोग करंट की वैल्यू या ओम लॉ से जानते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, या फिर आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो आई की वैल्यू, जब यहाँ पर आर की वैल्यू इन्फिनाइट रखा जाएगा तो आई की वैल्यू जीरो। अतः ऐसा सब्सटेंस जिसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू जीरो, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इन्फिनाइट और करंट की वैल्यू जीरो आती है, तो हम ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अब हम इंसुलेटर के एनर्जी बैंड डायग्राम को पढ़ेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम में हम जानते हैं ये वी बी होता है और ये सी बी होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो बीच का जो गैप होता है वो 5 वोल्ट से ज्यादा या उसके बराबर होता है। जो इसका बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा वाइडर होता है, बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। अब यहाँ पर वैलेंस बैंड में, इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पूरे फिल होते हैं लेकिन कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी होता है। अब इसमें वैलेंस बैंड में हम लोग थोड़ी अमाउंट में भी अगर एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। अब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एक्साइटेड होकर नहीं जा पाएगा तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो जीरो होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो होने के कारण में उसकी कंडक्टिविटी जीरो, कंडक्टिविटी जीरो होने के कारण में उसकी रेजिस्टिविटी इन्फेनाइट और उसमें जो करंट का जो फ्लो होगा वो जीरो में होगा, मतलब करंट का जो फ्लो होगा वो जीरो होगा, यानी इसमें करंट का फ्लो होगा ही नहीं, इसलिए इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। इससे रिलेटिव कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछने होंगे या फिर डाउट होंगे तो आप इसमें हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।